नमस्कार, मैं रामनिवास कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल विलेज बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि कतर देश में कुक का, ड्राइवर का कैसा रूम होता है, रूम का क्या फैसिलिटी होता है, यहां के ऑनर क्या क्या फैसिलिटी देता है, कैसे रूम देता है रहने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कतर में अरबी का घर कैसा होता है। वीडियो काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी व्यूज मिले, लगभग 1.5 लाख व्यूज आए हैं। अगर नहीं देखे होंगे कि कतर में अरबी का घर कैसा होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिए। और इसी कमेंट में बहुत सारे कमेंट आया इस वीडियो पे, जिसमें एक कमेंट ने हमें काफ़ी प्रभावित किया और वो कमेंट था रजनी गुप्ता जी का, जिन्होंने लिखा था कि आपका बॉस या कतरी लोग इतने अमीर होते हैं, उन लोग का ऐसा घर होता है, तो उस घर में काम करने वाले सर्वेंट का या खास करके हमें टारगेट किए कि आपका रूम कैसा है, अपने रूम का फैसिलिटी दिखाइए कि क्या क्या फैसिलिटी मिला है आप लोग को रहने के लिए। तो आज मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ कतर में कुक लोग का, ड्राइवर लोग का, इलेक्ट्रीशियन लोग का रूम कैसा होता है और उस रूम की क्या क्या फैसिलिटी होती है। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। और वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं कि कतर में अरबी लोग का घर कैसा होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिए। काफ़ी शानदार वीडियो है, लगभग 1.5 लाख व्यूज मिल चुके हैं। तो आइए कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। आइए यहाँ से शुरुआत करता हूँ दरवाजे से। देखिए, यहाँ सबसे पहले वाईफाई लगा हुआ है, बॉस के तरफ से दिया गया है, जितना भी दिल करे चलाइए नेट वगैरह। यहाँ ये तबला है, बच्चे लोग का है, मिल गया था, ऐसे रख दिया हूँ शो के लिए, है ना, तबला। और यहाँ इस तरह से टेबल है, और जैसे यहाँ से मुड़ेंगे, ये देखिए यहाँ दो बेड है, एक जो इधर है एक कुक का है ये, और एक जो इधर है ये मेरा है, है ना। तो चलिए, ये कार्टून है, यहाँ एक कचड़े का बॉक्स है, रूम में कुछ खाते पीते इसमें डाल दिया जाता है, एक कार्टून रखा हूँ, घर जाने का टाइम हो गया है तो पहले से मिल गया था तो रख लिया हूँ। और ये बकेट है नहाने धोने के लिए, मैं यहाँ रखता हूँ। ये बैग है मेरा दो, ये बेड है, ये ब्लैंकेट है, और यहाँ एक दूसरा मोबाइल भी है मेरा। इधर बेड के पास यहाँ एक्सटेंशन बोर्ड रखा हूँ, मोबाइल चार्ज में लगा करके और नेट चलाते रहता हूँ, पबजी वगैरह खेलते रहता हूँ। ये कुछ ट्यूबलाइट है यहाँ रखा हूँ, ये वॉल है, वॉच है, वॉल वॉच। और इसका दिखा देता हूँ, ये बेड के नीचे बैग रखा है, बेड को अपना ऊंचा कर लिया है, थोड़ा ईंट दे करके नीचे रखने के लिए सामान उसका हाई हो गया है, बेड तो जगह मिल गया। यहाँ पे मेरा टेबल है, चेयर है बैठने का, सुबह नाश्ता करने का। ये घर से कुछ लाइट निकाला हूँ, ख़राब हो गया था और जाकर मार्केट से लाया हूँ, दूसरा लाइट लगाना है सेम, और ये नहीं मिला, कोई दूसरा दुकान पर जा करके देखेंगे। यहाँ कुछ कप है, थर्मस है, ये जो भी रख दीजिए ठंडा गर्म ऐसा ही रहेगा। ये चिप्स वगैरह खाने के लिए रखा हूँ। और इधर एक कुक का जो है, मद्रासी कुक, उसका ये सामान है, ड्रो है, और यहाँ पानी वगैरह पीने का है, कुछ रख देता है तो ठंडा रहता है, उसका भी यहाँ मोबाइल चार्ज करने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह है, उसका एक कपड़ा है इधर रखने का, और मेरा जो कपड़ा है मैं वहीं रखता हूँ सामने में। देखिए, ये इस तरह से मेरा ड्रेस है जो डेली का पहनने वाला है, वो है यहाँ पर। और मेरा कबोर्ड इधर है, पर्दे के पीछे, पर्दा जो लगाया हूँ ये सामने एसी है ऊपर में, उसका सीधा ठंडा हवा जो मेरे सर पे आता है तो नुकसान करेगा, इसलिए मैं कर्टेन लगा दिया हूँ। और कर्टेन को उठा करके इसके पीछे मैं कबोर्ड और फ्रिज दिखाता हूँ। ये देखिए, कर्टेन हटा दिया हूँ, जो टॉवल था यहाँ डाल दिया बेड पर। और ये देखिए, मेरा एक कबोर्ड है और एक फ्रिज है, फ्रिज तो जनरल है लेकिन मैं ज़्यादा यूज करता हूँ क्योंकि मेरा सामान ही रहता है, तो मैं अपना कबोर्ड में इधर रखता हूँ, ये सामान है मेरा। ये देखिए, इधर ड्रेस रखने का है, ऊपर में भी कुछ रखा हूँ, ब्लैंकेट वगैरह एक्स्ट्रा। ये ड्रेस है जो अक्सर नहीं पहनता हूँ, कभी कभी पहनता हूँ। तो इधर मेरा कुछ सामान वगैरह, पर्स वगैरह है, कुछ साबुन वगैरह एक्स्ट्रा ला करके रखता हूँ। इधर डेली का जो नाश्ता करता हूँ, बादाम, काजू, किशमिश, चना, वो सब है यहाँ जो सुबह सुबह मैं खाता हूँ। और फल फूल जो है उधर फ्रिज में रखता हूँ। और इधर साबुन, सरफ, सोडा मिल जाएंगे। अब पीने का पानी मेरा ये है, उसका इधर है, रखता है बॉटल में, कुछ इधर भी बॉटल में पानी रखता हूँ यहाँ सामने में इस तरह से। तो चलिए, फ्रिज खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें फल फूल है, इसमें मेरा, और यहाँ नीचे बॉक्स है, इसमें संतरा है, सेब है, ये जो मैं सुबह सुबह नाश्ता करता हूँ, इधर भी सेब है, इधर नींबू पानी, जिसमें गर्मी का मौसम है तो नींबू पानी भी कभी कभी पीता हूँ, पसीना जो लॉस होता है उसके भरपाई करता हूँ। एक खजूर है, खजूर तो इधर खाता नहीं है लोग, खजूर ऐसे ही बहुत मिलता है। तो सुबह का यही चना, बादाम, किशमिश के साथ सेव और
संतरे को खाता हूँ, है ना। तो इस तरह से मेरा बेड हो गया। ये विंडो है तो विंडो के लिए कर्टेन लगा दिया हूँ, लाइट आता है सामने से। चलिए, इस रूम के बगल में एक और रूम है और इधर से एग्जिट है डोर, ये बाहर निकलने का दरवाज़ा है। तो बाहर निकलने से पहले इधर दिखा देता हूँ कि एक और इधर ड्राइवर है, बॉस का, श्रीलंका का है, वो अपनी ड्यूटी में गया है उसका। अभी यहीं देखिए, हर बेड के पास ही चार्जर मिल जाएंगे, सॉकेट मिलेगा इस तरह से। उसका भी इधर ब्लैंकेट है, उसका एक कबोर्ड है छोटा सा रखा है, इधर भी रखा है, जो कपड़ा होगा ना वो इसमें रखता होगा। इधर है बैग वगैरह, इधर रखा है। हर ड्राइवर को, कुक को इस तरह से गल्फ में मिल जाता है। और इधर छोटा सा जो अक्सर यूज करता है, देखता हूँ इसमें क्या है। देखिए, केला रखा है, फ्रिज छोड़ के इसी में रखा है। और इसमें भी काजू बादाम वगैरह है। हर लोग गल्फ में रहने वाला वर्कर, टेक्नीशियन, ड्राइवर काजू बादाम किसमें से आम बात है खाना। इधर ऐसा फैसिलिटी है, इधर का आप दुकान में जाएंगे तो वही सब मिलेगा, तो आपको नज़र पड़ेगा तो खरीदेंगे। इधर अटैच बाथरूम है, बाथरूम दिखा देता हूँ, बाथरूम कैसा मिलता है। इधर ये देख लीजिए, इधर शावर ट्रे है, ये डब्बा रखा हूँ। इस समय मौसम में पानी जो है टंकी गर्म हो जाता है, तो मैं पानी निकाल करके डब्बे में रख देता हूँ, जो कि ठंडा होगा, नहाते समय इसी पानी से नहा लेता हूँ। और इधर वाटर हीटर है ऊपर में लगा हुआ, जाड़े के मौसम में अभी भी लोग स्विच ऑन करके रखा है, उसको चाहिए कुक ड्राइवर लोग को गर्म पानी अभी भी यूज करता है, मैं तो नहीं करता। एक इस तरह से फ्लश करो। कमोड है, इधर फेस वॉश बेसिन है, हैंड वॉश बेसिन है, ये डिटॉल है जो बाथरूम को साफ करते हैं, कपड़ा इसी में रखता हूँ साफ करने वाला। मेरा ये साबुन है, इधर ही रखता हूँ वगैरह। और ये यहाँ इस तरह से पानी को चला दीजिए, गिरेगा, अगर शावर से नहाना है तो इसको उठा दीजिए, पानी ऊपर से गिरेगा झरना से, इस तरह से। तो यहाँ एक जस्ट फैन है, यहाँ बाहर हवा बदबू जो बाथरूम का होता होगा वो सब निकाल के बाहर फेंकता है। मिरर है ये। चलिए, अब और दूसरा भी दिखा देता हूँ मैं, ऐसा ऐसा और दो रूम है कुक का और ड्राइवर का, सिर्फ एक ही रूम दिखाने से नहीं होगा। एक कर्टेन लगा दिया हूँ, इसलिए यहाँ पर कर्टेन लगा है कि ताकि बाहर मेन दरवाज़ा है, लोग आता है खोलता है तो सीधा जो है लाइट जो है वो ड्राइवर के चेहरे पे जाता है, नींद खुल जाता है उसका, इसलिए मैंने एक कर्टेन टांग दिया हूँ इसको, है ना। तो बाहर और है, बाहर का चलिए मैं बाहर के चल करके दिखाता हूँ। बाहर धूप है, सीधा खोलूँगा तो कुछ नहीं दिखेगा, तो लाइट को कम करना पड़ेगा। ये देखिए गाड़ी लगा हुआ है ना। और उधर एक मेन, देखिए वहाँ वहाँ पे एक रूम है कुक का, वहाँ भी चल के दिखा देता हूँ। और इधर भी है, इधर भी रूम है एक ड्राइवर का, वहाँ भी चल के दिखा देता हूँ उस रूम में क्या फैसिलिटी है। ये देखिए मेक भाई है, एक कुक का रूम है, हाँ ये नेपाली मेक भाई। चलिए कुक का रूम दिखाता हूँ, ये रूम का फैसिलिटी क्या है कि लाइट चमक रहा है। इधर कुक लोग का एक और रूम है, ये देखिए यहाँ पे एक बेड यहाँ है, ये उसका टेबल है प्रेस करने का, और एक बेड यहाँ है इस तरह से, ये एसी है, ये इधर सोफा सेट लगा के रखा है, उसका कबोर्ड है इधर, है ना। तो यहाँ से मेन दरवाज़ा से ऐसे यहाँ से इसका कबोर्ड, उसका ये बेड वाला कुक जो है, इधर टेबल प्रेस करने के लिए, इधर एक दूसरा बेड, ये हो गया उसका ये टेबल चेयर, और इधर उसका अटैच बाथरूम इधर भी है, ये देखता हूँ। इधर भी टेबल लगा के रखा है, वॉशिंग मशीन यहाँ भी है एक, और ये उसका यहाँ फेस वॉश, कमोड, वाटर हीटर। तो इस तरह से यहाँ लगभग सभी रूम में मिल जाएंगे। नीचे बिल्कुल कारपेट बिछा हुआ, फर्स्ट क्लास ऐसा, गल्फ कंट्री में कुक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन का इस तरह का रूम दिया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे मिरर भी है, विंडो के ऊपर एक कर्टेन इधर टांग दिया है ताकि बाहर से लाइट ना आए। तो कमेंट में ज़रूर अपना राय लिखिए।
और भी कतर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।